क्या जरा चेक करो इंजन भी साफ है। नहीं नहीं बाकी साफ है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, ये सब मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आप लोग अगर पुराना व्लॉग देख कर आए हैं तो आपको पता होगा आजकल चल क्या रहा है आपके भाई की जिंदगी में। पिंपिंग माय फ्रेंड्स कार फॉर हिम चल रहा है एक तरह से। उसकी गाड़ी जो है बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था, बहुत ज्यादा साफ थी, बहुत ज्यादा साफ थी वो गाड़ी, बहुत ही 10/10 ओरिजिनल मिंट कंडीशन में थी वो गाड़ी। तो उसको हम थोड़ा सा खराब कर रहे हैं, सही है। अब वो कितनी जल्दी हम खराब करते हैं इस पर डिपेंड करता है, और एक आधा चैलेंज भी है क्योंकि हमने 1,00,000 में वो गाड़ी पूरी रिस्टोर करनी है, पूरी साफ सुथरी पप्पू करनी है, और जितना हम छचका ऐड कर सकते हैं हम करेंगे उस गाड़ी के अंदर। तो आज का व्लॉग बिना किसी देर के स्टार्ट करना है। आज के व्लॉग में वो वाली गाड़ी हम लोग लेकर जा रहे हैं कारीगर रेस्टोमोट डॉक्टर सुरखेल के पास, गाड़ियों के डॉक्टर हैं वो, उनके पास लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब से पूछेंगे इस पेशेंट के अंदर मसले क्या है, इसके अंदर बीमारी क्या है, वो बीमारी ट्रेस करें और उस बीमारी को ट्रेस करके जो है ना ठीक करें। तो आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेट्स होप सो आज का व्लॉग शुगली बने, मज़ा आए, आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करें, और भी एक आधा काम है आज वो भी करना है कि भाई ने। तो आज बिना किसी देर के चलते हैं, 5:30 बज गए हैं ऑलरेडी, रात हो गई है, लेकिन हमारा वहाँ पे कोई बॉनफायर का भी सीन बन रहा है। तो आज वो बिना किसी देर के निकलते हैं, और अगर आप लोग इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो चैनल का हिस्सा बने, क्या कर रहे हैं आप यार, वीडियो को लाइक करें और शायद भाई को फॉलो भी कर सकते हैं। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा करूला। यार वैसे एक मज़े की बात हूँ तुम लोगों को, इस गाड़ी की लाइटें ऐसी हैं जैसे यार यरकान हुआ हो, दिन के टाइम किसी दिन दिखाऊंगा यरकान हुआ हुआ लाइटों को, बेड़ा गर्क। बॉयज़ जैसा कि मैं आपको कल की वीडियो में बता रहा था, लाहौर में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। एक तो इसके शीशे बड़े साफ हैं, बस की बात सैंडविच यार, सबसे खतरनाक एक्सीडेंट और सबसे बुरा अफसोस इस एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि समझ नहीं आती गलती किसकी है, अगले वाले की जिसकी गलती होती है, जो गंदी ब्रेक के लगा के आपके आगे चला जाता है, और दूसरे की भी गलती होती है जो सबसे पीछे उसके बिल्कुल बम्पर टू बम्पर चला रहा था, क्योंकि नहीं बच पाती आगे, वैसे ही मेहरान थी, नो ABS सिस्टम फाउंड। बहुत गंदा एक्सीडेंट है, लालो पे बता आपके भाई का एकदम। भाई ये कौन कहता है गाड़ियों को नाम देना, यूट्यूबर्स ने याद किया था, शौक शौक की बात है गाइस, सरकारी गाड़ी है और लाडो राखी पीछे लिखा हुआ है। जिनको मोहब्बत होती है ना वो अपनी मोहब्बत को नाम जरूर देते हैं। हाय हाय गाइस, बबलू के हालात खराब हो गए हैं, डिमेंटर पेज के रिक्शे पे आ गए हैं, चेक करें। चेक करो बॉयज, नई नई सड़क बनी है, माशाल्लाह डेकोरेशन इतना अच्छा किया हुआ है कि मैं क्या बताऊं यार, आपके साथ साथ ये ट्रेवल करेगा डेकोरेशन सारी, और आपको फुल चास आएगी चलाते हुए गाड़ी, आपके साथ साथ ये डेकोरेशन चल रहा होगा। ओहो ये जरा लाइट डिस्टर्ब कर रहा व्यू, ये चेक किया डेकोरेशन आपने, यार क्या बात है यार, लॉर्ड हाय 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 हाय। गाड़ी तो रोक ले अपन, उतरते ही ऐसे है। तो भाई जान अंडा करोला आ चुकी है डैप पे, मशहूर डैप पे, सेहतमंद हमारे हमजा भाई हमारे साथ हैं। बताएं यार इस पे क्या मेहनत करेंगे, ये देख रहे हैं इस पे बस पेंट नहीं करनी, पेंट कर यार पेंट नहीं करनी शर्त ही है, ये देखो इसको डैप क्या कर सकता है, जिस पे रंग ही नहीं उस पे क्या कर सकते यार, रिस्टोर करनी है गाड़ी भाई। हेलो हेलो, कहां लगाया फोन, डैब नॉट फाउंड गाइस, डैब इस गाड़ी को देख के परेशान हो गया, अंदर से बहुत साफ है, देखी तूने, अंदर से तो हो जाएगी यार, तू वो खोल के देख बहुत साफ है, इस सेंटर में जहाँ पे मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है ना, मतलब इतना साफ रखा हुआ है बंदे ने जिसकी गाड़ी थी, जिसकी को हद नहीं है, खुलता ही नहीं है ये, जरा ये गियर वाली डिब्बी आएगा ये देख, वो उसे बताओ ये एक्स्ट्रे होती है। वो फुल हो गई इसलिए वो इधर आ गया। तो ये डैप कर पाएगी क्या, ये डैप कर पाएगी, बड़े से बाद ही देखी है गाइस, इस पे ये देखो आपकी ये रिस्ट वर्कआउट है भाई, इस पे मेरा बाजू ही तो टूटा था, हमने जो है ना इसको रिस्टोर करना है, पेंट नहीं करनी है, बिल्कुल क्लियर तो नहीं होगी, वही बात है कि हल्का है लेकिन काफी बेहतर हो जाएगी, काफी बेहतर क्या मतलब, ये देख रहे हैं ना स्विल मार्क्स, ये देख रहा है, ये तो स्विल मार्क नहीं है, स्क्रैच है प्रॉपर, ये तो नहीं जाने वाला। तो बॉयज ये है कहानी अभी फिलहाल, सारे जो है ना हाथ डालने से डर रहे हैं इस गाड़ी को, लेकिन आपके भाई ने ये अंडा पकड़ लिया है, ये अंडा नचाता है या क्या करता है ये वक्त ही बताएगा। इस अंडे को आपने चूजा बनाना है, बाकी देसी मुर्गा मैं खुद बना लूंगा, चूजे को टीके लगाकर ना इसका ब्रदर ही बनना है। तो बॉयज हम लोग रोड टेस्ट पे जा रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठ गए हैं गाड़ी में, डॉक्टर साहब क्या बीमारी है इसको आपने ये चेक करना है,
नाले की तरफ जाती है वो देखो। अलाइनमेंट भी आउट हो सकती है। स्टीयरिंग रैक को ऐसे नहीं घूमना चाहिए भाई, जो खड्डों पे घूम जाता है ना। ब्रेक पैड की जगह लकड़ लगाई हुई है। मसला ये है कि ब्रेक पैड हार्ड होने का मसला ये होता है कि वो खुद खराब नहीं होते, वो तवे खराब कर देते हैं। अच्छा ध्यान से चलाना, स्क्रीन इसकी धुंधली है फिर भी नजर नहीं आएगा, इसीलिए एक्सपेक्ट कुछ भी ना करना। गियर में से आवाज है, डिफरेंशियल आवाज कर रहा है। इस पे जुगाड़ लगा हुआ है सस्पेंशन में कोई ना कोई। ये देखा पेशेंट की हालत नाजुक है, इन्हें लाहौर ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। विजुअल रेस्टोरेशन करो, मैकेनिकली ना खोलो इसको, ठीक है गाड़ी मैकेनिकली अलाइनमेंट वगैरह वाले मसले हल करें, अलाइनमेंट वाले के पास लेके जाओ। अगर तो ये बल्कि अलाइनमेंट वाला इधर ही है, अगर तो वो ये कहता ना कि सस्पेंशन में मसले हैं तो फिर खोलेंगे, अदरवाइज मत खोलना। गाड़ी में ऐसे मसले नहीं, क्योंकि जो आवाज़ें हैं ना बेसिकली वो इस तरह की है कि जिनके लिए इमीजिएटली गाड़ी खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब चल सकती है, चल सकती है। हाँ करोला है, मतलब करोला भी वो वाली है जो लकड़ पत्थर वाली है, तो इसके हल्के मोटे काम करवाएंगे। बॉयज पेशेंट की हालत नाजुक है, इन्हें लाहौर ले जो, इन्हें नहीं बचना वाला सीन है। तो अभी फिलहाल हम अलाइनमेंट करवा के, अगर तो ये स्टेयरिंग वाला इशू रिजॉल्व होता है तो वेल एंड गुड। गाड़ी ज़्यादा नहीं खोलनी बेसिकली, हमें अभी अलाइनमेंट करवा के फिर चेक करते हैं गाड़ी क्या करती है। A few moments later. तो boys, hopefully हमारा मसला resolve हो गया होगा। अभी गाड़ी आती है तो आपको बताते हैं। कैम्बर का इशू था, व्हील जो था एक साइड का, और नट भी मज़े की बात लूज़ था हल्का सा ऊपर से, तो कैम्बर खुद ही मुझे लगता है खड्डे में लग के आउट हो गया था। इस वजह से गाड़ी जो थी ना राइट साइड पे बहुत ज़्यादा जा रही थी। गाड़ी आती है तो एक बार ट्राई करके फिर फाइनलाइज करते हैं कि हमने इसका कितना काम करवाना है। बेसिकली डॉक्टर साहब आज यही जज कर रहे हैं कि पेशेंट कितना बीमार है। गाड़ी ठीक है? गाड़ी ठीक है, बीमार नहीं है, कुछ भी नहीं। गाड़ी गाइज हम 360 डोनट नहीं मार रहे, गाइज एक्सेल चेक कर रहे हैं गाइज। सुरगेल भाई ट्यूनिंग श्यूनिंग वो भी करनी है, प्लग्स चेक, प्लग्स पे चेक ट्यूनिंग कर देता हूं, मतलब ट्यूनिंग कर देता हूं, गाड़ी चलने में कोई मसला नहीं है मेजर एज सच, मतलब कि हमें वो कोई मैकेनिकली आपको बताई है सुगेल भाई ने। यार जरा चेक करो इंजन बेस का कितना साफ है। सार कह रहा हूं तुम्हारी नहीं नहीं बाकी साफ है। इतना साफ इंजन पे देखा आपने कभी? अच्छा करोला वाले सियाने हैं, इतना बड़ा इंजन पे दे दिया है, बेशक 1300 डाल दो, 1600 डाल दो, 1800 डाल दो, क्योंकि वेरिएंट आते थे और डीजल 2000 भी आता था। ये देखें गाइस कितनी जगह है, इसके अंदर एक और इंजन आ सकता है। कैमरी का इंजन कंपनी की तरफ से आता था। अच्छा यूएस के अंदर, हाँ 2AZ जो है ना, ओरिजिनल कंपनी की तरफ, 2.4 लीटर। यार वैसे आपस की बात है, ये गाड़ी है बड़ी प्यारी, अगर ये किसी ने संभाली हो ना, अंकल कुछ अंकल है ये गाड़ी संभाली हुई है, और क्या खूबसूरत गाड़ी रखी हुई है उन्होंने, मिंट कंडीशन। वो भाई भी अगर पेंट की तरफ तवज्जो दे दें, इसको हम भी मिंट कर दें। टापा इधर होता है कवर, अगर वो आपके पास पड़ा तो वो दे देना। गाइस चेक करें, ये एक्सल्स होते हैं, ये शॉक होता है, ये शॉक होता है, ये कंघी होती है, ये चिमटे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। देख मैं मैकेनिक बन गया कैसा। खुद पहले तसल्ली कर ले और ट्यूनिंग करनी है, ये दो काम है। अगर अभी हो जाए तो मैं तो कहता हूँ क्या बात है यार, लिहाज कर दे यार मेरा भाई। ठीक है सलीम यार, ला यार जैकेट शहजादा। आज के दिन में हमारी गाड़ी मैकेनिकली पैक हो गई है यार साहब। तो मैं अपने एक दो सी गाड़ी जो है वो खुली छोड़ रहे हैं, दूसरी की बंद करवा रहे हैं, हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, इनसे बात की रहे हैं। सॉरी हुसैन शहजाद, ये हुसैन भाई खुद, ये हुसैन भाई हैं, शेख साहब वो है, शेख साहब ने बाइक तैयार कराई है, इनकी गाड़ी इधर आ गई है, चेक करो जरा, किस्मत ही माड़ी है। तो भाई लोग अभी इस गाड़ी के बेयरिंग चेक करने लगे हैं कि बेयरिंग कौन सी साइड का आवाज़ कर रहा है, बेयरिंग चेंज करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे, एंड दिस कार इज मैकेनिकली ऑल क्लियर। फिर इसका वो और जो काम है फिर बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ना गुड़ी, इससे होगा जब इस गाड़ी के प्लग्स बाहर आएंगे, मैं फिर आपको बताऊंगा ये क्या काम करती है। भैया जैकपॉट, जैकपॉट गाइस। वो टू क्या नाम है, सीसी वाला पीछे का, उसके पीछे इसी का जैनम पड़ा हुआ है। अब बस इसके बेयरिंग का ज्यादा इशू ना, दोनों फ्रंट यार एक साइड की तो कंफर्म है, दूसरी साइड के साथ गियर की धूम है, फिर वो नहीं होती, दोनों भेज देंगे, जिस चीज में आवाज हुई तो चेंज कर देगा। ये रेडियो प्लग क्यों लगाया हुआ है इसको, पता नहीं क्या निकालना है इसमें, एवरेज के लिए नहीं फर्क नहीं पड़ता, ये मिसकंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्शन। वो जो ये करोला का जो भी 1300 वाला इंजन आ रहा है उसको सादे प्लग ही आते हैं, ये रेडियम का तो कोई फायदा नहीं है इनको, ये लो कंप्रेशन इंजन है, इसमें क्या करना। गाइस आ जाए मैं आपको दिखाता हूँ वो जो गैजेट अंदर रखा हुआ है वो किस काम आता है।
गाइस इस वक्त गाड़ी 2000 आरपीएम पे चल रही है गाड़ी गाइस। नीचे आके देखो तो मैं स्पार्क से नजर आ रहा है, नजर आ रहा है इधर से, एक सेकंड रुको, इसमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा ये देखना है, इसी में देखना। तो ये तो अब आरपीएम बढ़ाएंगे, आरपीएम कम करेंगे क्योंकि इस प्लग वगैरह चेक करने होते हैं ना, वो लो आरपीएम पे मिसिंग करते हैं प्लग के लिए। ओके, आइडलिंग आपकी 700 भी होती है तकरीबन। तो यहाँ पे अब देखो, अगर तो ये सारे देख रहे हो वाइट और ब्लू टेंट है, अगर येलो टेंट होता ना किसी के अंदर, इसका मतलब है उसका स्पार्क वीक है। तो इसको अगर आप गौर से देखो आपको सारों का चारों का बराबर नजर आ रहा होगा, विच मीन्स के प्लग्स ठीक हैं, इसके प्लग्स में कोई फॉल्ट नहीं है। आरपीएम तेज करें जरा, कैमरा नहीं पकड़ेगा या तो उस पर कितने टीपी पे शूट कर रहे हो रहा है 60 पे। अब ये इस टाइम आपका 5700 आरपीएम पे है। स्पार्क देख रहे हो, इरिडियम का फायदा क्या होता है? अच्छा इरिडियम दबाने का मैं फायदा बताता हूँ क्या होता है। तुम देख रहे हो तुम्हारा स्पार्क जो है वो डायरेक्शन है, इधर उधर नहीं हो रहा। मैं तुम्हें सादा प्लग ला कर दिखाता हूँ, उसमें तुम देखोगे कि स्पार्क अभी इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। अगर इसके ऊपर हाथ रखेंगे करंट पड़ेगा, रख के देखो ना। Oh, I can feel my hair rising. High voltage will be generated during the test. Please do not touch. Oh, it says. लिया से रहा, तू लगा ऊपर। हाँ, ठीक है। प्यारी समझ गई। बेटा 20,000 to 50,000 volts होते हैं, वो देखो। हुए 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 हुए। Fresh हो। Fresh हो। लगा हुआ है मुझे लगता है ये। वो ये तो बहुत लगते हैं जो स्वाइल नहीं होते। अच्छा, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हमें पता नहीं होता क्या चल रहा है गाड़ी के अंदर। वो देख रहे हो? हाँ, करंट इधर उधर जा रहा है। एक सेकंड जरा वीडियो में हम दिखाएंगे। गाइज एज यू गाइज कैन सी, ये राइट साइड पे चारों प्लग जो है इरिडियम है और लेफ्ट वाला सादा प्लग है, और उसका करंट इधर उधर जा रहा है, और राइट पे जितने भी चारों येलो टिंट नजर आ रहा है उसके अंदर आपको। हाँ, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल व्हाइट है, व्हाइट है। जितना ज्यादा व्हाइट होगा या ब्लू होगा उतना बेहतर स्पार्क होगा, वो येलो है। गाड़ी को आप साइड पे लगाओ, अपने पास रखो। हाँ, अपने पास रखो इसको, आराम से सुबह तसल्ली से कर लेना। अब अपडेट ये है कि गाड़ी के जितने भी मसले मसाइल हमारे सामने आ गए हैं और जितने भी सोल्यूशन है वो भी हमारे सामने आ गए हैं। जो हब्स हैं अभी काम नहीं होगा, बेसिकली इट इज़ वेरी लेट, और सर्दियाँ हैं वैसे भी, तो दुकानें शुकानें जो है ना जल्दी बंद हो जाती हैं। तो अभी आज हम इसका जुगाड़ नहीं कर रहे, गाड़ी को लगाते हैं साइड पे। बेसिकली काम जो लंबा हुआ है ना वो हुआ है टैपेट कवर का जो जैन है उसकी वजह से, और उसके अलावा ये जो हब्स हैं उसके भी मेहनत होनी थी। तो खैर अब मैं करने लगा हूं एडिटिंग, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। बॉनफायर का सीन है, बॉयज का वेट है, बॉयज आते हैं तो बॉनफायर करके सुकून से एंजॉय करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मैडम आपकी लोकेशन पे फाइनली गाइस समथिंग टू ईट, भूख बहुत टाइट लगी है। बबलू जी के लिए तो एक पिज्जा है, दूसरा हमारे लिए है। वो बस में लेके आ रहा है बस में। कार गाइस सारी कम्युनिटी इकट्ठी कर ली हमने आज कारीगर पे। लुक एट दिस बिग बॉय इज हियर, वाह इज हियर, कम्युनिटी बढ़ जा रही है। पीछे पूछे आ गए हैं, ओए ओए ओए, मजे आने वाले हैं। सी यू गाइस आफ्टर ईटिंग पिज्जा। बॉनफायर का सीन है, बॉनफायर पे बैठेंगे और फिर आपसे गपशप करेंगे, मजा आएगा। गाइस वर्कशॉप में जब बॉनफायर हो तो कार्बो क्लीनर ही काम आता है। हैवी निजाम गाइस, लग गई आग पर। हर जुगाड़ चल रहा है, वो कहते हैं हर जुगाड़। देखो कारीगर रेस्टोरेंट्स में आए, यहाँ पर रेस्टोरेशन होती है और मॉडिफिकेशन भी होती है। तुम ना होते क्या बात है, क्या बात है। दो तीन हफ्ते से बड़ी ये गाड़ी चुभ रही थी, खुद ही अपने पास आ गई है चल के। ये हमजा भाई आए हैं अभी, एक सेकंड गाड़ी बंद कर ले। माशाल्लाह गाइस इसमें सनरूफ भी है, वो खुल जा सनरूफ है, बस साहब ले लें फिर ले लें। यार बिग क्रश, 1k सेट पावर डीजल। खैर एनीवेज बॉयज, इस वक्त हम बैठे हैं सिर्फ 1995 में, जो कि आपके भाई का पिछले कोई एक डेढ़ महीने से जो है ना, मेरा बड़ा माइंड बन रहा है इस गाड़ी की तरफ। मैं क्या बताऊं आप लोगों को जो मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन अभी जो है ना सोच विचार चल रहा है। फिलहाल हम गाड़ी को एंजॉय कर रहे हैं, गाने आपको सुनाए तो फुल 90s के गाने, 90s की गाड़ी, 90s की वाइब, आपको और क्या चाहिए। यार मैं आप लोगों को सुना नहीं सकता, लेकिन ये वाइब इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड गाइस। और ये वाइब सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, पुरानी गाड़ी के लिए टरस मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा है। मैं बार बार ये अपने ब्लॉग में जिक्र कर चुका हूँ, तो बस ये वही सीन है, और ये इस गाड़ी का मज़ा यही है।
ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। गाइस ये चाय बन रही है पिछले 15 मिनट से, बॉनफायर एंजॉय हो रहा है गाइस। 12 लोग से 6 लोग रहे हैं। ओए तुझे किसने मारा है? मैं 15 मिनट से दुआ से गिरा। ओए आज ये बहुत बड़ी गाड़ी पे आया, आज इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया गाइस। जो गाड़ी पे चला रहा था वो इसकी थी। बिग वाइब। ओके बाय।